नमस्कार दोस्तों, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं रिवीजन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड ई वे बिल चैप्टर का। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि किस किस व्यक्ति को क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है और ई वे बिल से रिलेटेड प्रोविजन। तो सबसे पहले अपन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो हर रजिस्टर्ड पर्सन को, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कहाँ कहाँ मेंटेन करना पड़ेगा, एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन करने हैं, और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने ही करने हैं। अब उसके बाद इसमें एक स्पेशल केस आया कि जब गुड्स का ऑक्शन होता है पब्लिक वेयर हाउस में, तो पब्लिक वेयर हाउस जैसे वो मंडियां होती है ना, मंडियों में कोई गुड्स का सेल होता है वेयर हाउस में, तो वहां पे क्या होता है, टी, रबर, कॉफी, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट हो तो उनका सेल होता है पब्लिक वेयर हाउस में। तो वहां पे एक तो ऑक्शनर होता है, और जिस व्यक्ति का वो सामान होता है वो वहां पे लाके बेचता है, और वहां पे एक ऑक्शनर करके बंदा होता है जो एज ए एजेंट काम करता है, जो वहां पे उस गुड्स का सेल करता है। तो ऐसे केस में जब आप कोई भी गुड्स वहां पे वेयर हाउस करोगे तो आपको उसे क्या दिखाना पड़ेगा, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अब पब्लिक वेयर हाउस में रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना प्रिंसिपल के द्वारा वो नॉट पॉसिबल। अब उन मंडियों में खुला वेयर हाउस है, अब उस खुले वेयर हाउस में कहां पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। तो ऐसे केस में बोल दिया कि अगर ऑक्शनर एज अ एजेंट आपका काम कर रहा है वहां पे, और आप उस पब्लिक मंडी से वो सारा सामान बेच रहे हो, तो ऐसे केस में अगर आप उस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे जो आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने थे वो अगर आप अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी मेंटेन कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम मान लेंगे कि आपने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया। तो मतलब जो प्रिंसिपल को रिकॉर्ड मेंटेन करने थे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी, तो उससे उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि आप उस रिकॉर्ड्स को अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी मेंटेन कर सकते हो, आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो अब कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं, तो एक नॉर्मल पर्सन को अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, एक तो उसने प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का जो करा उसकी डिटेल, उसके बाद उसने उस प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कौन कौन से इनपुट सप्लाई यूज किए, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन उसने क्या क्या आउटवर्ड सप्लाई, क्या सेल करी गुड्स एंड सर्विसेज की, उसका डिटेल, देन आपका स्टॉक कितना पड़ा है आपके पास गुड्स का, देन आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना अवेल कर रखा है या कितना यूटिलाइज कर रखा है उसकी डिटेल, तीसरा आपने कितना आउटपुट टैक्स पे कर रखा है और कितना पेबल है। तो ये छह चीजें हैं, कौन कौन सी, सबसे पहले आप प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल, आपने इनवर्ड गुड्स एंड सर्विसेज क्या लिए, आउटपुट आउटवर्ड सर्विसेज एंड गुड्स क्या लिए, आपने इनपुट टैक्स का डिटेल देना है और आपने आउटपुट टैक्स का डिटेल देना है, देन आपका स्टॉक कितना पड़ा है। बट इसमें से जो लास्ट वाले तीन पॉइंट है, कौन सा है, स्टॉक ऑफ गुड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड, तो इन तीन आइटम का डिटेल आप अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हो तो आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी तीन चीजें, स्टॉक ऑफ गुड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट और जो अपना आउटपुट टैक्स है उसकी डिटेल कंपोजिशन टैक्स पेयर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। देन और कौन कौन सी चीजें मेंटेन करनी है, इसके साथ ही आपने अगर कोई गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया है उसकी डिटेल, आपने अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई टैक्स पे किया है तो वो भी डिटेल आपको रखोगे, देन कोई आपको एडवांस रिसीव हुआ है और उस एडवांस का, या फिर आपने एडजस्टमेंट कराया है, आपने उस एडवांस को रिफंड किया है तो उसका डिटेल, देन कोई आप जिस सप्लायर और जिस रेसिपिएंट से अगर आप डील कर रहे हो तो उनका नेम एंड एड्रेस एज अ केवाईसी, तो वो लोगों का भी डिटेल आपके पास होना चाहिए। और जहां जहां पे आपका गुड्स पड़ा है ना, जैसे मान लो आपके चार वेयर हाउस हैं या फिर कोई ऐसा बंदे को सेल और अप्रूवल बेसिस पे दे रखा है, तो जहां पे भी आपके गुड्स पड़े हैं वो गुड्स कहां कहां स्टोर हैं उसका डिटेल होना चाहिए, और गुड्स आपका कोई अगर ट्रांजिट में भी है, अगर इन ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो भी आपके पास डिटेल होना चाहिए कि इतना इतना गुड्स मेरा ट्रांजिट में है, अभी तक पहुंचा नहीं है कहीं भी। तो कौन कौन सी चीजें और मेंटेन करनी है, अगर आपने गुड्स एंड सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया उसकी डिटेल, अगर आपने आरसीएम में टैक्स पे किया उसका डिटेल, कोई एडवांस रिसीव हुआ एडजस्ट हुआ उसका डिटेल, आपके सप्लायर और रेसिपिएंट का डिटेल, देन आपके कहां कहां पे गुड्स पड़े हैं उसका डिटेल, और अगर कोई ट्रांजिट में भी है गुड्स तो वो भी आपको दिखना पड़ेगा। अब अगर आपने अपने बुक्स में कोई स्टॉक नहीं दिखाया, अगर आपने अपने बुक्स में कोई स्टॉक नहीं दिखाया बट आपके यहां पे पड़ा हुआ मिल गया, मतलब आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे पड़ा हुआ मिल गया, तो ऐसे केस में माना जाएगा कि ये आपने सप्लाई कर दिया। मतलब अगर आपने अपनी बुक्स में किसी गुड्स को नहीं दिखाया और वो गुड्स कहीं और पड़े हुए मिल गए, या फिर आपके प्लेस पे पड़े हुए मिल गए, कहीं और पड़े हुए मिल गए, तो हम ये मानेंगे कि वो गुड्स आपने सप्लाई कर दिए, और सप्लाई कर दिए और आपने टैक्स पे नहीं किया तो फिर उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा विद पेनल्टी टैक्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गई नॉर्मल बंदा क्या क्या मेंटेन करेगा, उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस हैं, मतलब स्पेशल टाइप के लोग हैं तो उनके लिए क्या क्या बुक्स और मेंटेन करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए अगर आप वो एजेंट,
एजेंट है तो एजेंट को कौन कौन से मेंटेन करने हैं। देखो कोई भी एजेंट अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे डील करेगा तो उसको ऑथराइज करेगा कौन? प्रिंसिपल। तो ऐसे केस में जो भी ऑथराइजेशन रिसीव हुए हैं एजेंट को, जिस जिस प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो काम कर रहा है उससे जो ऑथराइजेशन रिसीव हुए हैं उसका डिटेल उसके पास होना चाहिए। देन उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कौन कौन से गुड्स रिसीव किए हैं, प्रिंसिपल के बिहाफ पे कौन कौन से गुड्स सप्लाई किए हैं उसका डिटेल हो जाएगा। उसमें क्या होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए गुड्स का। उसके बाद जो डिटेल्स ऑफ मतलब एजेंट क्या होगा, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एक अकाउंट स्टेटमेंट इशू करेगा अपने प्रिंसिपल को कि मैंने आपके बिहाफ पे इतना परचेज किया, इतना सेल किया और ये अमाउंट आ गया। तो जो अकाउंट स्टेटमेंट अगर इशू कर रहा है एजेंट तो वो अकाउंट स्टेटमेंट भी आपके पास मेंटेन होना चाहिए एजेंट के पास। देन अगर उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई टैक्स पे किया है ऑन रिसीट या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो वो भी डिटेल मेंशन करनी है। तो क्या क्या चीजें हैं, पांच चीजें हैं। एक तो प्रिंसिपल से जो एजेंट को ऑथराइजेशन मिलेगा एज ए एजेंट वर्क करने के लिए, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कौन से गुड्स रिसीव हुए हैं, प्रिंसिपल के बिहाफ पे कौन से गुड्स सप्लाई हुए हैं उनका डिटेल्स। देन उसने कोई अकाउंट स्टेटमेंट इशू अगर किया है प्रिंसिपल को तो उसका डिटेल। देन उसने अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे परचेज या सेल पे कोई टैक्स पे किया है तो वो भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको ऊपर वाले रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने करने हैं, साथ में आपने मंथली जो प्रोडक्शन अकाउंट्स हैं, मतलब आप मंथली कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना आप इनपुट यूज कर रहे हो, कितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब कितना आपने क्वांटिटी और वैल्यू का इनपुट यूज किया, कितना क्वांटिटी और वैल्यू का आपने आउटपुट जनरेट किया, और उसमें अगर कुछ आपने वेस्ट भी जनरेट किया है, बाय प्रोडक्ट भी जनरेट किया है तो उसका भी डिटेल आपको रखना पड़ेगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो ऐसे केस में आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, आपने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज का यूज किया है और यूटिलाइज किया है वो आपको डिटेल्स मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप हो कस्टोडियन या फिर क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट, मतलब मान लो मेरा अगर कोई सामान आता है मैं उसे कस्टम से क्लियर करवाना है तो मैंने एक एजेंट को लगा रखा है कि आप कस्टम से मेरा सामान क्लियर करवा के दोगे, तो ऐसे ब्लॉक को बोलते हैं कस्टम एंड क्लियरिंग एजेंट। तो कोई कस्टोडियन या कस्टम क्लियरिंग एजेंट है तो उसको बताना पड़ेगा कि उसने किसी रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे कौन कौन से गुड्स का डिटेल, जो गुड्स उसने हैंडल किए हैं किसके बिहाफ पे, रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे, उसका डिटेल उसे देना पड़ेगा। और जब भी प्रॉपर ऑफिसर अगर उससे डिटेल मांगता है कि आपने कौन कौन से गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे हैंडल किए हैं तो वो डिटेल्स भी प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। अगर आप हो वर्क कॉन्ट्रैक्टर, जो कंस्ट्रक्शन का वर्क कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो अगर आप ऐसे वर्क कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको क्या क्या डिटेल्स मेंटेन करनी है, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा आप किस व्यक्ति के बिहाफ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो, मतलब आपको जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है उसका नेम एंड एड्रेस भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। देन आपने उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से गुड्स रिसीव किए हैं और उसमें से कितने गुड्स आपने यूटिलाइज कर लिए हैं। दो चीजें हो गई, एक तो आपको क्या करना है कि जिस बंदे ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया उस बंदे का नेम एंड एड्रेस, देन आपने कौन कौन से गुड्स रिसीव किए और उसमें से कितना कितना आपने यूटिलाइज कर लिया वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए, देन आपको कोई पेमेंट रिसीव हुई है उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसका भी डिटेल होना चाहिए। देन आपका जिस जिस सप्लायर से आपने गुड्स एंड सर्विसेज लिए हैं, मान लो फर्दर जो वर्क पे दे दिया जाता है या फिर कोई जो गुड्स खरीदे हमने वर्क कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसमें कौन कौन से सप्लायर है उसका नेम एंड एड्रेस आपको देना पड़ेगा। देन अगर आपका गोडाउन है या फिर आपका वेयर हाउस है या फिर आप ट्रांसपोर्टर हो या फिर आप किसी कन्वेंस के ओनर हो और आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे फॉर द गुड्स जो आपको रिसीव हुए, आपने कितना वेयर हाउस से चला गया, आपके कितने टाइम तक वेयर हाउस में पड़े हैं, क्या मतलब गुड्स रिमेंड इन द वेयर हाउस इंक्लूडिंग डिस्पैच मूवमेंट रिसीट डिस्पोजल, कितना गुड्स रिसीव हुआ, कितने वेयर हाउस में पड़े हैं, कितने आपने डिस्पैच कर दिए और कितने आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट किए हैं, डिलीवर किए हैं और कितने गुड्स आपके पास आपके वहां पे स्टोर हैं और कौन कौन कंसाइनर था, कौन कौन कंसाइनी था। मतलब अगर आप ट्रांसपोर्टर गोडाउन या वेयर हाउस ऑन करते हो तो ऐसे केस में आपको जो भी गुड्स आपके थ्रू मूवमेंट हुए हैं उसका आपको पूरा मूवमेंट का डिटेल आपको रखना पड़ेगा और कौन कौन से गुड्स आपके पास पड़े हैं वो भी आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, अलोंग विद कौन कंसाइनर था, कौन कंसाइनी था, ये भी डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्ट वेयर हाउस या ओनर ऑपरेटर अगर मान लो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे स्टिल, यस स्टिल उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। और उसके लिए वो भले ही रजिस्ट्रेशन ना ले, वो एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले सकता है जीएसटी पोर्टल पे जाके, एज अ ट्रांसपोर्टर वेयर हाउस वाला बंदा एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले रखा जिसमें उसमें पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता, सिर्फ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है। ये तो बात हो गई कि स्पेशल केसेस में कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। उसके बाद आपको कैसे मेंटेन करने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकते हो और
आप फिजिकल मोड में भी रख सकते हो, बट अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक मोड में बुक्स रखी हैं तो वो डिजिटली सिग्नेचर्ड होनी चाहिए। तो मतलब आपकी ऑथराइज्ड ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए बाय डिजिटल सिग्नेचर। देन उसका प्रॉपर बैकअप आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कंप्यूटर की अगर हार्ड डिस्क चली गई या फिर मदरबोर्ड चला गया तो आपका डेटा लूज हो गया, उसका आपको प्रॉपर बैकअप रखना पड़ेगा ताकि कभी भी आप उस बैकअप को रिट्राइव कर सको। इनकेस रिकॉर्ड जो है वो इरेज नहीं होने चाहिए, ओवर रिटन नहीं होने चाहिए, मतलब आपने ऐसे मिटा के या फिर काट पीट के नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपको गलती सुधारनी है तो आप काटा पिटी नहीं करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। देन ऑडिट ट्रेल शुड बी मेंटेन, मतलब रिकॉर्ड्स में कब किसने कितना चेंज किया है, मतलब कोई भी अगर आप कोई चीज रिकॉर्ड्स में चेंज कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो, तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि इस बंदे ने इतनी तारीख को ये चीज चेंज करी है। तो ऑडिट ट्रेल शुड बी मेंटेन फॉर द एडिटिंग इन डेटा, ठीक है। और ये रिकॉर्ड्स आपको कब तक मेंटेन करने पड़ेंगे, क्या पूरे जीवन भर मेंटेन करने पड़ेंगे? नहीं, आपको बोल दिया कि जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो रिकॉर्ड्स हैं, उस फाइनेंशियल ईयर के जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है उससे आपको 72 मंथ तक रखने हैं। मान लीजिए अगर कोई रिकॉर्ड्स है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड है, तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होगी? 31 दिसंबर 2021। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना उसके बाद का जो 31 दिसंबर होता है वो आपकी ड्यू डेट होती है एनुअल रिटर्न फाइल करने की। तो 31 दिसंबर 2021 क्या है आपकी एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट। अब इसके बाद आपको 72 मंथ्स ऐड करने हैं, मतलब 6 साल, तो मतलब 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो 31 दिसंबर 2027 तक आपको ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे फॉर रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 2021। मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है उसका जो आप एनुअल रिटर्न फाइल करोगे, फाइल रिटर्न करने का ड्यू डेट है जो कि 31 दिसंबर है, उससे आपको 6 साल तक या फिर 72 महीने आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। बट यही अगर आपके जो जिस साल के लिए आप बात कर रहे हो उसके रिकॉर्ड्स हैं वो अंडर अपील है, प्रोसीडिंग है या कोर्ट केस चल रहा है। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा है, अपील चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है, तो ऐसे केस में एक तो जो टाइम पीरियड हमने निकाला 31 दिसंबर 2027, या फिर जिस टाइम पे आपका अपील प्रोसीडिंग या कोर्ट केस कंप्लीट हो जाएगा उस कंप्लीशन के डेट से एक साल तक आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे विच एवर इज लेटर। अब मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021 है, फाइनेंशियल ईयर 2021 है, इसका कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है। अब फाइनेंशियल ईयर 2021 के नॉर्मली मेरे को कब तक रखने चाहिए थे? 31 दिसंबर 2027, 72 मंथ्स काउंट करूंगा एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से, 31 दिसंबर 2027 तक मेरे को मेंटेन करने थे। अब मान लीजिए ये जो अपील प्रोसीडिंग वगैरह चल रही थी फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो वो खत्म कब हुई? 1 अक्टूबर 2027 को। तो ऐसे केस में जिस दिन वो प्रोसीडिंग खत्म हुई है उसके एक साल तक, वन ईयर काउंट करूं तो क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2028। तो अब 31 दिसंबर 2027 या फिर 1 अक्टूबर 2028, विच एवर इज लेटर, तब तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ये बात हो गई रिकॉर्ड्स की। अब हमने बात कर ली अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की, कहां मेंटेन करने हैं, कैसे मेंटेन करने हैं, क्या मेंटेन करने हैं, कितने टाइम तक मेंटेन करने हैं। अब अपन बात करेंगे ईवे बिल की, ठीक है। तो ईवे बिल का कंसेप्ट कहां से आया? देखो नॉर्मली पहले क्या होता था ना, नॉर्मल केस में जब कोई ट्रांसपोर्टर आपका सामान आपसे लेके जाता है, मान लो आपको सामान भेजना दिल्ली से मुंबई, तो ट्रांसपोर्टर आपको ना एक रिसीट देता था कि ये सामान हमने ले लिया है, उसके बदले में आपको एक वे बिल देता था जिसमें लिखता था कि ये सामान हमने लिया, ये हम मुंबई पहुंचाएंगे, तो उसे बोलते थे वे बिल। एक रिसीट होती थी कि कैरियर ने आपसे सामान ले लिया है और वो शिपमेंट जाने वाली है, उसका एक डॉक्यूमेंट होता था जिसे बोलते थे वे बिल। अब यहीं से कॉन्सेप्ट बना ई वे बिल का। तो जीएसटी आया तो गवर्नमेंट चाहती थी कि जब गुड्स का पूरे देश में मूवमेंट हो रहा है, गुड्स का कहीं भी मूवमेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट के पास कंट्रोल रहे, गवर्नमेंट को पता रहे कि ये गुड्स यहां पे जा रहा है, ये गुड्स यहां पे जा रहा है, ये गुड्स यहां पे जा रहा है। तो गवर्नमेंट एक कंसेप्ट लेके आई ईवे बिल। तो गवर्नमेंट बोलती है कि जब भी आप कोई मूवमेंट करोगे ना गुड्स का, तो ऐसे केस में आपको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब ईवे बिल आप जनरेट करोगे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, और जैसे ही आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये डिटेल डालोगे तो गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया, गवर्नमेंट को पता है कि ये गुड्स यहां से यहां जाने वाला है। तो ये कंसेप्ट वहां से आया। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली एक डॉक्यूमेंट जनरेट होता है ईवे बिल नाम से जीएसटी पोर्टल पे, जिससे कि गवर्नमेंट उस शिपमेंट को ट्रैक कर पाए, ठीक है। ये किस फॉर्म में होता है? ये जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 फॉर्म में होता है, कॉमन पोर्टल पे। अब कौन जनरेट करेगा, किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
अब ऐसा तो नहीं कि मैं कोई छोटा मोटा सामान लेके जा रहा हूँ नॉर्मल अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उसको भी जनरेट करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा है। देखो यहां पे सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे इंपॉर्टेंट है कि आपका गुड्स मूव हो रहा है क्या, एक दुकान से दूसरी दुकान पे जा रहा है या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। तो गुड्स का जहां भी मूवमेंट इन्वॉल्व है ना, वहां पे आपका ईवे बिल का कंसेप्ट आ जाएगा। और कितनी कंसाइनमेंट वैल्यू होनी चाहिए, मोर देन 50,000। अगर 50,000 से ज्यादा की कंसाइनमेंट वैल्यू है तभी आपको ईवे बिल जनरेट करना है। बट अब कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंसाइनमेंट वैल्यू में हम जीएसटी को भी इंक्लूड करेंगे, जीएसटी को भी इंक्लूड करेंगे, बट अगर कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। मान लो मैंने सप्लाई करी कोई, मान लो वैल्यू थी टैक्सेबल सप्लाई करी, ठीक है, टैक्सेबल जो गुड्स थे वो वैल्यू थी उसकी 30,000, ठीक है, इस पे मैंने जीएसटी लगाया कितना, मान लो 12%, तो ये हुआ 30,000 रुपये का गुड्स था, 30,000 का 12% हो जाएगा आपका 3600, ठीक है, तो ये कितना हुआ 33,600। अब मैंने क्या किया, साथ में इसके एग्जेम्प्ट गुड्स भी भेजे, एग्जेम्प्ट गुड्स भी भेजे जो थे मान लो 50,000 के, टोटल कितना हो गया 83,600। तो कंसाइनमेंट वैल्यू इस केस में क्या होगी, हमने कंसाइनमेंट वैल्यू की जब बात करी तो हमने बोला कि हम एग्जेम्प्ट गुड्स को काउंट नहीं करेंगे, तो एग्जेम्प्ट गुड्स को काउंट नहीं करेंगे तो हमारा कंसाइनमेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 33,600। अगर ये 50,000 से कम है तो हमें ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है, हमें कंसाइनमेंट वैल्यू में एग्जेम्प्ट सप्लाई को एक्सक्लूड करना है और जीएसटी वैल्यू को इंक्लूड करना है। तो हम यहां पे 30,000 के बजाय क्या लेंगे 33,600, ये आपका क्या हो जाएगा कंसाइनमेंट वैल्यू। अब वो भले ही आप सप्लाई के लिए कर रहे हो या फिर अदर देन सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अब वहां पे भले ही वो सप्लाई है या नहीं है मैटर नहीं करता, अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो आपको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। या फिर अगर आप इनवर्ड सप्लाई भी ले रहे हो, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सामान खरीद रहे हो, सप्लाई ले रहे हो, तो ऐसे केस में भी रेसिपिएंट को जनरेट करना पड़ेगा ईवे बिल, क्योंकि आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर परचेज कर रहे हो, कोई माल खरीद रहे हो, तो ऐसे में अनरजिस्टर्ड पर्सन तो ईवे बिल जनरेट करेगा नहीं। तो ऐसे केस में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई कि अगर कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000 है और आप परचेज कर रहे हो किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो ऐसे केस में आपको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। बट कब करना है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट, आप गुड्स को जब मूव करवाने का चालू करोगे उससे पहले पहले आपको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में अगर आपको पकड़ लिया ऑफिसर ने और आपके पास ईवे बिल नहीं था तो आपके ऊपर भयंकर पेनल्टीज और चार्जेस वगैरह लग जाएंगे, आपका डिटेन कॉन्फिस्केशन भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या, दो पार्ट होते हैं ईवे बिल में, ईवे बिल में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। सबसे पहले ये पढ़ने से पहले अपन पढ़ लेते हैं कि एक और चीज है, भले ही 50,000 की वैल्यू नहीं हो तो भी ऐसे दो केसेस है जहां पे आपको ईवे बिल तो रेज करना पड़ेगा, मतलब ऐसे दो केसेस हैं जहां पे आपको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, अगर प्रिंसिपल ने किसी जॉब वर्कर को, अगर प्रिंसिपल ने किसी जॉब वर्कर को सामान भेजा है फॉर द जॉब वर्क, ऐसे केस में भले ही वो 50,000 से कम का है या 50,000 से ज्यादा का है, और क्या है इंटर स्टेट है, मतलब मान लो प्रिंसिपल राजस्थान में था, जॉब वर्क पंजाब में था, तो राजस्थान से पंजाब में अगर इंटर स्टेट कोई सामान भेजा है, मूवमेंट किया गुड्स का प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को, तो ऐसे केस में ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, वैल्यू भले 20,000 हो 30,000 हो आपको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहे हो किसका, हैंडीक्राफ्ट और हैंडमेड गुड्स का, जब अपन रजिस्ट्रेशन की बात आई थी तो अपन ने बोला था कि नॉर्मली अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है तो उस केस में आपको हमेशा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बट उसमें एक एक्सेप्शन था कि अगर कोई व्यक्ति हैंडीक्राफ्ट और हैंडमेड गुड्स का इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है और उसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, तो ऐसे केस में उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे दो अपन ने कंडीशन बोली थी, एक तो उसके पास पैन होना चाहिए, दूसरा उसे ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो वही यही चीज है, अगर हैंडीक्राफ्ट या हैंडमेड गुड्स का इंटर स्टेट अगर सप्लाई हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे केस में अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाने से एक्सक्लूडेड है, उसको एग्जेम्पशन मिला हुआ है, तो ऐसे केस में उसको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, चले वैल्यू कितनी भी कम हो उसको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब ईवे बिल का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ईवे बिल में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या आता है, डिटेल्स आता है इनवॉइसेस का, इनवॉइस का डिटेल क्या होगा, किसने सप्लाई किया, किसने रिसीव किया, मतलब सप्लायर रेसिपिएंट का जीएसटीआईएन हो गया, फिर कहां से डिस्पैच हुआ, कहां जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट और वैल्यू वगैरह, ये सब डिटेल्स मेंशन होंगी पार्ट ए में, ठीक है। और पार्ट बी में क्या होगा, पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर डिटेल होगा, कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कौन सा व्हीकल नंबर है,
ठीक है, और कौन सा लॉरी रिसीट वगैरह इशू किया गया, कहां से कहां जाने वाला, ये सब चीजें क्या होंगी, पार्ट बी में डिटेल होगी। ठीक है, अब उसके बाद पार्ट ए फिल कौन करेगा, पार्ट ए फिल करेगा जो बंदा इस मूवमेंट को करवा रहा है। ठीक है, मान लीजिए सप्लायर है, एक सप्लायर ने सामान भेजना है, ठीक है, तो जैसे ही वो सामान भेजेगा उससे पहले पहले उस सप्लायर को ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और वही ट्रांसपोर्ट करके दे रहा गुड्स का, मतलब गुड्स को पहुंचा रहा है रेसिपिएंट तक, तो ऐसे केस में कौन जनरेट करेगा, सप्लायर। अब मान लीजिए गुड्स बेचा तो सप्लायर ने, बट जो गुड्स बेच दिया सप्लायर ने, अब वहां से लेके जाने की जिम्मेदारी किसकी है, रेसिपिएंट की, मतलब ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, रेसिपिएंट। तो ऐसे केस में ईवे बिल कौन जनरेट करेगा, रेसिपिएंट। तो अगर तो ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है, सप्लायर की रजिस्टर्ड है, तो सप्लायर जनरेट करेगा, और अगर ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी रेसिपिएंट की है, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट जनरेट करेगा ईवे बिल। अब अगर अनरजिस्टर्ड था सप्लायर और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड था, अनरजिस्टर्ड सप्लायर था, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट था, अब भले ट्रांसपोर्ट कोई भी करवाए, भले जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है वो ट्रांसपोर्ट करके दे रहा है, तब भी कौन जनरेट करेगा ईवे बिल, रेसिपिएंट जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कौन जनरेट करेगा ईवे बिल का पार्ट ए, ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब पार्ट बी कौन फिल करेगा, पार्ट बी अगर तो आप कर रहे हो इन केस ऑफ रोड से अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो जैसे ही इसमें क्या होता है, पार्ट ए जैसे ही फिल किया जाएगा बाय सप्लायर या रेसिपिएंट, सप्लायर या रेसिपिएंट ने जैसे ही पार्ट ए फिल करेगा तो उसका एक नंबर जनरेट होगा, और वो नंबर जनरेट होगा, और आप जैसे ही ट्रांसपोर्टर का भी उसमें नंबर डालोगे कि ये ट्रांसपोर्टर है, तो उस ट्रांसपोर्टर के पास चला जाएगा। अब पार्ट बी कौन फिल कर सकता है, ट्रांसपोर्टर फिल कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या डालनी है, डिटेल, हमें ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल डालनी है। तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टर विल बी द राइट पर्सन टू फिल द डिटेल्स। तो ऐसे केस में अगर रोड से अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो पार्ट बी में डिटेल्स कौन फिल करेगा, ट्रांसपोर्टर फिल करेगा। और अगर आप रेल से करवा रहे हो, या वेसल से करवा रहे हो, या फिर एयर से करवा रहे हो, तो ऐसे केस में देखो, आप अब रेलवे वालों को तो बोलने से रहे कि हमने पार्ट ए फिल कर दिया, पार्ट बी फिल कर दो। तो ऐसे केस में रेलवे, एयर और वेसल के केस में जो व्यक्ति, पर्सन जो मूवमेंट कोज कर रहा है, सप्लायर या रेसिपिएंट, अपन ने डिस्कस किया था कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड हो सप्लायर करेगा, और अगर डिलीवरी कौन करवा रहा है, रेसिपिएंट करवा रहा है, तो कौन करेगा, रेसिपिएंट। तो वही व्यक्ति को ही पार्ट बी फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना, रेलवे गुड्स को तभी हैंडओवर करता है जब आप उनको ईवे बिल जनरेट करके दोगे, ईवे बिल शो करोगे, अदरवाइज वो गुड्स ही नहीं देंगे आपका। ठीक है, हाँ, इन केस अगर आप ऑथराइज कर दो ट्रांसपोर्टर को या फिर कोरियर एजेंसी को कि पार्ट ए भी आप ही फिल कर दो, तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टर और कोरियर एजेंसी भी पार्ट ए फिल कर सकते हैं। नॉर्मली पार्ट ए फिल कौन करेगा, जो पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया सप्लायर है, रेसिपिएंट होगा। अब अगर ये ऑथराइज कर देते हैं किसको, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ट्रांसपोर्टर या कोरियर एजेंसी को, तो ऐसे केस में वो लोग भी पार्ट ए फिल कर सकते हैं। अब पार्ट बी कौन फिल करेगा, या अगर तो रोड से कर रहे हो तो ट्रांसपोर्टर फिल करेगा, और अगर आप कर रहे हो किससे, रेल, एयर या वेसल से, ऐसे केस में जो पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट है वही व्यक्ति फिल करेगा पार्ट बी। अब अगर ट्रांसपोर्टर को, ट्रांसपोर्टर मान लो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो ईबे बिल कैसे जनरेट करेगा, तो ऐसे केस में उसको एक ट्रांस आईडी लेनी पड़ेगी, जीएसटी पोर्टल पे एक यूनिक आईडी मिल जाएगी उसको, ट्रांसपोर्टर की आईडी, तो ट्रांसपोर्टर आईडी वहां से ले सकता है जीएसटी पोर्टल से, तो उसको यूज करके वो ईबे बिल जनरेट कर सकता है। अच्छा, अगर ट्रांसपोर्टर मोर देन वन स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में उसको एक ही ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाएगी, यूनिक एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, जो हर स्टेट में सेम ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल की बात करी थी जब अपन आईटीसी का चैप्टर कर रहे थे। मान लीजिए जो ए है, ए ने गुड्स खरीदा बी से, ए राजस्थान के थे, बी पंजाब के थे, ठीक है, और ए को साथ के साथ ऑर्डर किससे मिल गया, सी से, जो भी पंजाब से है। तो ए ने बोला, मैं सामान मैं मेरे पास मंगाऊंगा, इससे अच्छा मैं डायरेक्टली बी को ऑर्डर दे देता हूं कि आप सीधा डायरेक्टली सी को डिलीवर कर दो। ठीक है, तो सी ने डायरेक्टली डिलीवर किसको कर दिया, बी ने किसको डिलीवर कर दिया, डायरेक्टली सी को। तो ऐसे केस में दो ट्रांजेक्शन हुई हैं, पहले तो ए ने बी से परचेज किया माल, फिर सी ने ए से परचेज किया, तो यहां पे दो सप्लाई हुई हैं, बट यहां पे मूवमेंट एक ही हो रहा है, यहां पे जो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है वो बी से सी को हो रहा है। तो हमने बोला था ईवे बिल कब जनरेट होता है, जब कोई चीज का मूवमेंट होता है, तो जब मूवमेंट एक ही है तो एक ही ईवे बिल जनरेट होगा, बी से सी का। तो ऐसे केस में या तो बी जनरेट कर देगा ईवे बिल, या फिर ए जनरेट कर देगा, तो इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति जनरेट कर सकता है। अब देखो, अगर बिल टू शिफ्ट टू मॉडल है, दो से ज्यादा सप्लाईज इन्वॉल्व हैं, तो एक ही ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल मूवमेंट है, और सप्लायर या फिर इंटरमीडिएट सप्लायर, ये वाला बी सप्लायर होगा, ये इंटरमीडिएट सप्लायर होगा, इनमें से कोई भी एक व्यक्ति ईवे बिल जनरेट कर सकता है। अब जनरेट कैसे करेंगे, हमने बात किया पार्ट ए कौन फिल करेगा, कंसाइनर या कंसाइनी, मतलब सप्लायर या रेसिपिएंट। और पार्ट एक बार जनरेट हो गया, तो एक टेम्परेरी नंबर जनरेट होगा, जिसको यूज करके ट्रांसपोर्टर क्या करेगा,
पार्ट बी फिल करेगा और इस प्रकार से पार्ट बी फिल करते क्या हो जाएगा, ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपका खुद का कन्वेयंस था, आपने ट्रांसपोर्टर का हेल्प नहीं लिया, आपका खुद का कन्वेयंस था, आप उसमें गुड्स को ले जाके ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे केस में जिस व्यक्ति का वो ट्रांसपोर्ट आपका कन्वेयंस था, वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका खुद का कन्वेयंस था, वो खुद जनरेट करेगा ई वे बिल पार्ट ए बी और पार्ट बी भी। ठीक है, नॉर्मली जब ई वे बिल तभी वैलिड माना जाता है जब आप उसमें पार्ट बी को फिल कर देते हो, अगर आपने सिर्फ पार्ट ए फिल करा है तो ऐसे केस में ई वे बिल वैलिड नहीं माना जाएगा। जब तक आप पार्ट बी फिल नहीं करोगे ना तब तक वो ई वे बिल कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब बट ऐसा भी केसेस हैं, दो केसेस हैं जिसमें आपको पार्ट बी फिल करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपका मान लिया जाएगा कि ई वे बिल करेक्ट था, ई वे बिल कंप्लीट था। किस केस में, मान लीजिए आप जयपुर में एक प्लेस है दुर्गापुरा, ठीक है, या आप यहां पे हो, यहां पे आपके गुड्स पड़े हैं, आपकी यहां पे दुकान है, ठीक है, आपको ये गुड्स भेजने हैं दिल्ली, ठीक है, और जिस ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेजने हैं उसका जो ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस है वो कहां पे है, जयपुर में ही मान लीजिए आपका है ये जगतपुरा में, ठीक है, और अगर आपको गुड्स भेजने कहां से, दुर्गापुरा से जगतपुरा। अब देखो मूवमेंट तो यहां से स्टार्ट हो गया दुर्गापुरा से, तो ई वे बिल तो यहां से जनरेट करना पड़ेगा, बट अगर दुर्गापुरा और जगतपुरा में जो डिस्टेंस है वो लेस देन 50 किलोमीटर है, तो ऐसे केस में आपको पार्ट बी फिल करने की जरूरत नहीं है, मतलब कंसाइनर के प्लेस से, मतलब आप जाके दुर्गापुरा जहां से आप भेजा जा रहा है, कंसाइनर के प्लेस से अगर ट्रांसपोर्टर के प्लेस तक, ट्रांसपोर्टर का प्लेस जगतपुरा, अगर डिस्टेंस लेस देन 50 किलोमीटर है और विद इन द सेम स्टेट और यूटी है, तो ऐसे केस में आपको ई वे बिल का पार्ट बी फिल करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे मान लो दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में एक चांदनी चौक करके जगह है जहां पे आपकी दुकान है, चांदनी चौक में आपकी दुकान है, ठीक है, और एक आईटीओ करके जगह है, वहां पे ट्रांसपोर्टर का बिजनेस है, तो अब ट्रांसपोर्टर ने सामान जयपुर से आ गया दिल्ली, कहां पे आ गया, आईटीओ वाले एरिया में, अब आईटीओ वाले एरिया में आ गया, बट आईटीओ वाले एरिया से आपको चांदनी चौक तक लेके जाना है, तो ऐसे केस में अगर ट्रांसपोर्टर के प्लेस से कंसाइनी के प्लेस तक अगर डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर से कम है और सेम स्टेट और यूटी में है, तो ऐसे केस में आपको पार्ट बी फिल करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ट्रांसपोर्टर के प्लेस तक कंसाइनर के प्लेस से और ट्रांसपोर्टर के प्लेस से कंसाइनी के प्लेस तक अगर डिस्टेंस 50 किलोमीटर से कम है तो उस मूवमेंट के लिए आपको पार्ट बी फिल करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपका रास्ते में कन्वेंस खराब हो गया, जिस आपने ट्रक से भेजा ट्रक खराब हो गया, आपको ट्रक चेंज करना है, इन केस ऑफ आप वांट्स टू ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर बाय एनी रीजन, देन दैट पर्सन मेकिंग मूवमेंट, मतलब जिस व्यक्ति ने मूवमेंट किया था, पार्ट ए जनरेट किया था या फिर जो ट्रांसपोर्टर था, वो उसमें डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। पार्ट बी में हमने ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल डाली थी कि किस ट्रक के थ्रू जा रहा है, तो अगर आपने ट्रक चेंज कर दिया तो पार्ट बी में भी आपको उसकी डिटेल चेंज करनी पड़ेगी। आप इसको कितनी भी बार चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितनी बार आप ट्रक चेंज करोगे उतनी बार आप उसका डिटेल अपडेट कर सकते हो। बट हां, जब भी आपको ऑफिसर ने पकड़ा, अगर आपको ऑफिसर ने पकड़ लिया और उसने ई वे बिल मांगा, तो ई वे बिल में उसी ट्रक का नंबर होना चाहिए जिस ट्रक में वो गुड्स है, अगर दूसरा निकला तो फिर आपका डिटेंशन, सीजर, पेनल्टी, पता नहीं क्या क्या लगेगा, वो सब आपको पे करना पड़ेगा। देन अगर मान लो आपका ई वे गलत जनरेट हो गया, तो आप ऐसे केस में उसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, तो मतलब आपने उस अगर ई वे बिल पे गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं किए या फिर जो आपने मेंशन किया था वो गलत था, तो आप ई वे बिल कैंसिल कर सकते हो विद इन द 24 आवर्स ऑफ जनरेशन, मतलब जनरेट करने के विद इन 24 आपको कैंसिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। बट अगर जब आप गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, अगर आपको बीच में ऑफिसर ने रोक लिया और ई वे बिल चेक कर लिया, एक बार ई वे बिल चेक हो गया ना, उसके बाद आप ई वे बिल कैंसिल नहीं कर पाओगे, वो हमेशा वैलिड रहेगा, फिर आप उसको कैंसिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ई वे बिल की वैलिडिटी क्या होती है, ई वे बिल की वैलिडिटी होगी, देखो अगर डिस्टेंस है आपका 200 किलोमीटर तक, इसमें दो केस आएंगे, सबसे पहले होता क्या, एक मल्टी मॉडल शिपमेंट होती है, मान लो मेरे को दिल्ली से भेजना है मेरे को कन्याकुमारी, ठीक है, यहां तक सामान भेजना है, तो मैंने क्या किया, दिल्ली से मुंबई तो भेजा एयर के रूट से, फिर मुंबई से मेरा गोवा तक गया, मुंबई से गोवा तक गया शिप से और गोवा से मेरा कन्याकुमारी तक गया किससे, बाय रोड, ठीक है। तो जब जहां पे आपका गुड्स का बार बार चेंज हो रहा है, मतलब आप गुड्स को
अलग अलग एरिया से लेके जा रहे हो, मतलब एयर से भी लेके जा रहे हो, लैंड से भी लेके जा रहे हो, है ना, रेल से लेके जा रहे हो या पानी से लेके जा रहे हो, तो उसे बोलते हैं मल्टी मॉडल शिपमेंट, जिस पूरी शिपमेंट में अलग अलग इन्वॉल्व हैं चीजें, ठीक है। अगर उसमें से एक भी लेग क्या है, शिप है, अगर आपने पूरी जर्नी जो आपकी शिपमेंट थी उसमें अगर एक बार भी आप शिप के थ्रू गए हो, ठीक है, तो ध्यान रखना जब शिप का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है ना तो पानी में जो रफ्तार होती है ना वो कम होती है। तो ऐसे केस में बोल दिया कि आपको हर 200 किलोमीटर के लिए, ठीक है, अगर आपका बीच में एक भी लेग इन्वॉल्व है शिप के थ्रू तो आपको हर 20 किलोमीटर के लिए एक दिन मिलेगा। अगर मान लीजिए वहां पे शिप का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप पानी के थ्रू नहीं भेज रहे हो, आप डायरेक्टली या तो रेल के थ्रू भेज रहे हो या फिर रोड के थ्रू भेज रहे हो या फिर एयर के थ्रू भेज रहे हो, ऐसे केस में आपको हर 200 किलोमीटर के लिए एक दिन मिलेगा। मतलब हर 200 किलोमीटर या उसका पार्ट दे रहे हो आपको एक दिन मिलेगा वैलिडिटी। और अगर शिप वगैरह इन्वॉल्व है, शिप इन्वॉल्व है, पानी इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में हर 20 किलोमीटर के लिए आपको एक दिन मिलेगा, ठीक है। तो अब अपन समझ लेते कैसे, और जैसे ही 200 किलोमीटर से ऊपर जाओगे तो हर 200 किलोमीटर या पार्ट देयर ऑफ के लिए आपको क्या मिलेगा, एक एडिशनल दिन। और अगर 20 इस केस में अगर शिप इन्वॉल्व है तो 20 किलोमीटर या 20 किलोमीटर से ज्यादा का सामान है पार्ट देयर ऑफ, तो उसमें भी आपको एक एडिशनल डे मिलेगा। अब मैं इसको बाय एग्जांपल समझा देता हूं, जैसे और कहां से कब से काउंट होगा, जिस दिन आपने ईवे बिल जनरेट किया उस दिन की रात जो होगी ना मिडनाइट, वहां से वो डेज काउंट होंगे। अब जैसे मान लीजिए आपका ईवे बिल जनरेट हुआ सुबह 2 बजे, आपने सुबह 2 बजे 13 सितंबर को ईवे बिल जनरेट किया, ठीक है, और जर्नी थी 500 किलोमीटर की, ठीक है, और उसमें शिप इन्वॉल्व नहीं थी, शिप वाला इन्वॉल्व नहीं था, तो ऐसे केस में आपको हर 200 किलोमीटर के लिए क्या मिलेगा, एक दिन मिलेगा। अगर आपके 500 किलोमीटर हैं तो कितने दिन मिलेंगे, 2.5 मतलब 3 दिन, यहां पे पूरा ले लेंगे, अगर पार्ट देर ऑफ भी है तो भी अपन मानेंगे कि पूरा दिन है, 3 दिन मिलेंगे आपको। अब 3 दिन इसकी वैलिडिटी है, बट कहां से काउंट होगी, जैसे मैंने 13 तारीख को सुबह 2 बजे मैंने ईवे बिल जनरेट किया तो 13 तारीख की रात 12 बजे, ठीक है, माना जाएगा कि आपकी वैलिडिटी स्टार्ट हुई है। तो मतलब 13 और 14 के बीच की जो रात है ना उस दिन से वैलिडिटी स्टार्ट होगी, और फिर आपका 3 दिन काउंट होंगे, 13 14 की रात से 14 15 15 16 16 17, तो 16 17 की जो रात है, 16 17 की जो रात को 12 बजेंगे तब उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो अगर इस पूरे में एक लेग शिप की इन्वॉल्व होती, अगर एक लेग शिप की इन्वॉल्व होती तो उस केस में क्या होता, आपको हर 20 किलोमीटर के लिए एक दिन मिलता, 500 किलोमीटर है तो हर 20 किलोमीटर के लिए एक दिन मिल रहा है, तो 500 के लिए आपको कितना मिलेगा, 25 दिन, तो 25 दिन आपके लिए हो जाते। और 25 दिन आप कब से काउंट करते, जिस दिन आपने ईवे बिल जनरेट किया उस दिन की रात को 12 बजे से आप 25 दिन काउंट करोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल। तो वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल अपना हर 200 किलोमीटर के एक लिए एक दिन मिलता है, हर 200 किलोमीटर या पार्ट देर ऑफ, और अगर शिप इन्वॉल्व है तो 20 किलोमीटर या पार्ट देर ऑफ के लिए एक दिन मिलता है, और काउंट होगा जिस दिन आपने ईवे बिल जनरेट किया उस दिन की मिडनाइट से, उस दिन की मिडनाइट से काउंट होगा, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए आपका जो ईवे बिल है, ठीक है, वो आपने आपकी जो वैलिडिटी थी उतने टाइम पीरियड में आप उसको सामान को नहीं पहुंचा पाए, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आप उस ईवे बिल को एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट आपका जब एक्सपायरी का टाइम है उसके 1-8 घंटे के अंदर अंदर ही आपको उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, वरना आप एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते जो ऊपर वैलिडिटी दी हुई है, तो उसके लिए आपको एक्सपायरी टाइम के 8 घंटे के अंदर अंदर आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा टाइम पीरियड को, तभी आपका एक्सटेंड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब जिसने भी ईवे बिल भरा, मान लो सप्लायर ने डिटेल भरी ईवे बिल की, जनरेट किया, तो ऐसे केस में जो आपका रेसिपिएंट है उसके पास डिटेल जाएंगी और ट्रांसपोर्टर के पास डिटेल जाएंगी। अगर मान लो फिल किया रेसिपिएंट ने तो किसके पास डिटेल जाएंगी, सप्लायर के पास और ट्रांसपोर्टर के पास। तो अब क्या, जैसे ही डिटेल फिल करेगा ना सप्लायर, तो उसकी डिटेल किसके पास चली जाएंगी, ट्रांसपोर्टर रेसिपिएंट के पास, और रेसिपिएंट फिल करेगा तो ट्रांसपोर्टर और सप्लायर के पास चली जाएंगी, ठीक है। तो अब जिसके पास भी जाएंगी ना उसको कंफर्म करना है कि जो डिटेल फिल करी है उस दूसरे बंदे ने वो सही है या नहीं है, मतलब उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि क्या वो जो डिटेल्स फिल करी हैं वो करेक्ट है या गलत है, और वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा विद इन 72 आवर्स। अगर 72 आवर्स में अगर वो कम्युनिकेट नहीं करता है तो ये मान लिया जाएगा कि जो ईवे बिल में डिटेल्स भरी हुई हैं वो करेक्ट है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि जो उसने डिटेल भरी है वो थोड़ी गलत है,
ठीक है। अब जो ईवे बिल है ना वो एक सेंट्रल डॉक्यूमेंट है, ये स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, पूरे देश में वैलिड होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि राजस्थान में बनाया तो राजस्थान में वैलिड होगा, पंजाब में होगा। ईवे बिल को मॉडिफाई या एडिट नहीं किया जा सकता, इसे कैंसिल ही किया जा सकता अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, ईवे बिल इनवॉइस स्पेसिफिक होता है। अब मान लो अगर आप कोई शिपमेंट कर रहे हो, मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ सेल किया, दो गुड्स सेल किए, उसमें दो इनवॉइस रेज किए, एक तो इनवॉइस वन जिसमें 2000 किलो आइटम था, 40 रुपीज पर था, 80,000 का कंसाइनमेंट बन गया। एक था इनवॉइस टू जिसमें 1000 केजी था, 60 रुपीज के हिसाब से 60,000 बन गया। तो भले ही सेम पर्सन को ट्रांसपोर्ट किया है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ही ट्रांसपोर्ट किया है, एक ही कंसाइनमेंट में जा रहा है, एक ही ट्रक में सामान जा रहा है, बट अगर इनवॉइसेस दो हैं तो ईवे बिल भी दो ही बनेंगे। तो मतलब आपको ईवे बिल आपका इनवॉइस स्पेसिफिक होगा, एक ही ईवे बिल में एक से ज्यादा इनवॉइसेस को आप अटैच नहीं कर सकते। हर बिल के लिए, हर इनवॉइस के लिए आपको एक ईवे बिल बनाना पड़ेगा, ठीक है, सेपरेट इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे आपको ईवे बिल रेज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कौन कौन से गुड्स हैं? अगर आप कोई स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, कौन कौन सा, मान लो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है जो आपके घर पे एलएनजी आती है गैस के लिए, मतलब कुकिंग के लिए जो गैस आती है, अगर उसकी सप्लाई हो रही है तो उसके लिए आपको ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो, आपने देखा होगा मोहल्ले में जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स को कैरोसिन ऑयल मिलता है, ठीक है, अगर कैरोसिन ऑयल जा रहा है फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन कार्ड वगैरह पे आपको जो ऑयल वगैरह आटा वगैरह मिलता है उसे बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगर उसके लिए कोई कैरोसिन ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो ऐसे केस में भी आपको ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पोस्टल डिपार्टमेंट, मतलब इंडियन पोस्ट का कोई पोस्टल डिपार्टमेंट के पोस्टल बैगेजेस हैं तो उसमें भी ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। कुछ सेमी प्रीशियस स्टोन पर्ल्स, मतलब हीरे मोती वगैरह कुछ हैं तो उसके भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ज्वेलरी है गोल्ड की, सिल्वर की, या फिर करेंसी है, ठीक है, तो ऐसे केस में भी आपको ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके यूज्ड पर्सनल हाउसहोल्ड इफेक्ट है, आप घर एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मतलब आपने घर चेंज किया, उसके लिए आप अपने घर का सामान लेके जा रहे हो दूसरे घर तक, तो आपको ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। कोरल वर्कड हो, अनवर्कड हो, इसमें भी ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो ऑन नॉन मोटराइज व्हीकल, मतलब टांगे पे या फिर कोई ऐसा व्हीकल जिसकी घोड़ा गाड़ी हो गई, बैलगाड़ी हो गई, अगर उस पर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो ऐसे केस में आपको ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर गुड्स जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो अगर जीएसटी से एग्जेम्प्ट हैं तो ऐसे केस में भी आपको ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ऐसे गुड्स का जिस पे जीएसटी नहीं लगता, जैसे अल्कोहलिक लिक्वर और जो 5 प्रोडक्ट्स थे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस और आपका ये एविएशन टर्बाइन फ्यूल, अगर इन 5 प्रोडक्ट और अल्कोहल का अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो आपको ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो नेपाल भूटान के लिए या नेपाल भूटान से गुड्स आ रहे हैं तो ऐसे केस में भी ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी सप्लाई कर रहे हो जो शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट में है तो भी जरूरत नहीं है। कोई डिफेंस मिनिस्ट्री कोई गुड्स का मूवमेंट कर रही है फॉर द डिफेंस तो वो बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है, तो उस केस में भी ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ट्रांसपोर्टेशन करवा रही है गुड्स का थ्रू रेलवेज तो ऐसे केस में भी ईवे बिल की नीड नहीं है। अगर कोई ऐसे एम्प्टी कार्गो कंटेनर है, मतलब जिनमें सामान भर के जाता है वो खाली अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो ईवे बिल की नीड नहीं है। अगर एम्प्टी सिलेंडर जिसमें आप गैस भरी होती थी सिलेंडर्स में, अगर वो खाली सिलेंडर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो भी आपको नीड नहीं है अदर देन सप्लाई के लिए। अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है विद इन 20 किलोमीटर फॉर वेट, मान लो आपका जो गोडाउन था वहां से ट्रक निकल के कहां वेमेंट के लिए गया, वेमेंट मतलब धर्मकांटा होते हैं ना, धर्मकांटा, तो वहां पे वेमेंट करवाने जाते हैं, तो गोडाउन से वेमेंट करवाने वाला जो जगह है उसमें अगर डिस्टेंस 20 किलोमीटर से कम है, अगर 20 किलोमीटर से कम है तो ऐसे केस में आपको ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। देन अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक, या फिर एक एयरपोर्ट या पोर्ट से आईसीडी या आईसीएफएस तक, सीएफएस तक या आईसीडी सीएफएस से पोर्ट वगैरह तक अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ऐसे केस में वो क्या है, कस्टम के क्षेत्र में आ जाता है, तो ऐसे केस में उस पर ईवे बिल करने की जरूरत नहीं है। तो इन सब केसेस में आपको ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से थे मेजरली देख लो, कोई हीरे मोती हो गए, सिल्वर या फिर गोल्ड की ज्वेलरी हो गई, करेंसी हो गई, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट हो गए, पोस्टल बैगेजेस हो गए, केरोसिन ऑयल हो गया, एलएनजी हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, अल्कोहल हो गया, अगर कोई नॉन मोटराइज व्हीकल घोड़ा गाड़ी वगैरह पे आप लेके जा रहे हो तो भी वो
जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी तो भी जरूरत नहीं है, सप्लाई नहीं है अगर शेड्यूल थ्री के अकॉर्डिंग तो भी जरूरत नहीं है, नेपाल भूटान से सामान आ रहा है वहां जा रहा है तो उसके लिए भी जरूरत नहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री है या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी रेलवेज के थ्रू करवा रही है, एम्प्टी कार्गो कंटेनर है, एम्प्टी सिलेंडर्स हैं तो उसकी भी जरूरत नहीं है, अगर पेमेंट के लिए जा रहा है विदिन 20 किलोमीटर है तो भी जरूरत नहीं है, और अगर कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट के लिए आईसीडी सीएफएस से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसके लिए भी आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है ई वे बिल। उसके बाद पावर दे दी गई कि जब आप कोई भी सामान लेके जाओगे ट्रांसपोर्टेशन करके जाओगे तब जो पर्सन इन चार्ज है ऑफ कन्वेंस उसको कैरी करने हैं क्या डॉक्यूमेंट और डिवाइसेस, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, एक तो उसके पास इनवॉइस होना चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान होना चाहिए, या तो इनवॉइस होना चाहिए या बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए या फिर डिलीवरी चालान होना चाहिए जो भी एप्लीकेबल होता है, मान लो अगर टैक्सेबल सप्लाई है तो इनवॉइस होना चाहिए, अगर टैक्सेबल सप्लाई नहीं है तो बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए, मान लो आपको क्वांटिटी पता नहीं तो डिलीवरी चालान होना चाहिए ऐसे केस में, और ई वे बिल होना चाहिए इन फिजिकल फॉर्म, या तो आप ई वे बिल फिजिकल फॉर्म में प्रिंट करके लेके जाओ या फिर आपके पास एक RFID होना चाहिए जो कि मैप्ड है ई वे बिल से। अगर आप रेल और एयर वेसल से बात कर रहे हो, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन करवाया है रेल एयरवेज या वेसल से तो ऐसे केस में ई वे बिल होना जरूरी नहीं है, उस केस में इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान से भी काम चल जाएगा, बट अगर आप रोड के थ्रू करवा रहे हो तो या तो इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई डिलीवरी चालान प्लस आपका ई वे बिल होना चाहिए या तो फिजिकल फॉर्म में या फिर RFID होनी चाहिए। अगर आप कोई इंपोर्टेड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो, मान लो आपने इंपोर्ट किया आपके पोर्ट पे आ गया मुंबई पोर्ट पे आ गया, मुंबई से आपको दिल्ली लेके आना है, तो जब आप मुंबई से दिल्ली के लिए ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो आपके पास जो आपने बिल ऑफ एंट्री जो आपने असेस करवाई थी इंपोर्ट के टाइम वो भी उसकी भी आपको कॉपी कैरी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और कन्वेंस है उसको वेरीफाई कर सकता है, इसकी पावर दी गई है ऑफिसर को, तो कमिश्नर या फिर उसके द्वारा जो ऑफिसर को एम्पावर किया गया है वो जब ऑथराइज करेंगे किसको प्रॉपर ऑफिसर को तो वह आपको कन्वेंस को रोक सकता है और आपके ईवे बिल को वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। जब भी ऐसा करेगा तो उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको इंस्पेक्शन की जो समरी रिपोर्ट है वो पोर्टल पे EWB03 में रिपोर्ट करना पड़ेगा किसको प्रॉपर ऑफिसर को, और फाइनल रिपोर्ट देनी पड़ेगी विद इन 3 डेज, ठीक है। और ये कब से काउंट होगा, ये काउंट होगा जिस दिन आपका जो इंस्पेक्शन हुआ उस दिन की रात को 12 बजे से काउंट होगा, 24 आवर्स भी और 3 डेज भी, ठीक है। 24 आवर्स में तो क्या करना है इंस्पेक्शन का समरी रिपोर्ट देना है और 3 डेज के अंदर अंदर आपको फाइनल रिपोर्ट देनी है, और इस 3 दिन को 3 दिन के लिए बढ़ा सकता है कौन कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। और ओनली फिजिकल वेरिफिकेशन, अगर एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया ड्यूरिंग द ट्रांजिट तो दोबारा फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा अनलेस एंड अंटिल आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप टैक्स को इवेड करना चाह रहे हो, तो ऐसे केस में अगर वापस आपका हो सकता है ड्यूरिंग द ट्रांजिट, अदरवाइज एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया तो बार बार फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। अगर व्हीकल को डिटेन कर लिया जाता है मोर देन 30 मिनट, अगर 30 मिनट से ज्यादा आपके व्हीकल को कोई ऑफिसर रोकता है तो आप उसकी डिटेल अपलोड कर सकते हो किस पे पोर्टल पे, किस फॉर्म में EW04, ये रिक्वायर्ड नहीं EW04 याद करना, बट हाँ पोर्टल पे आप अपलोड कर सकते हो। देन अगर आप बिल इशू नहीं करते हो, अगर आप ईवे बिल इशू नहीं करते हो तो ऐसे केस में आप पे पेनल्टी लगाई जा सकती है 10,000 और टैक्स इवेडेड 10,000 या फिर जितना भी आपने टैक्स को इवेड किया है, आपने टैक्स अवॉइड किया है उसमें से जो भी हायर होगा उतने की पेनल्टी लगाई जा सकती है, और जिस कन्वेंस में आप गुड्स को लेके जा रहे थे या फिर जो गुड्स लेके जा रहे थे उनको डिटेन भी किया जा सकता है, सीज भी किया जा सकता है बाय द प्रॉपर ऑफिसर। अब एक और चीज कर दी इन्होंने, बोला कि अगर आपने ये वाली 4 गलतियां करी तो हम आपको ईवे बिल ही जनरेट नहीं करने देंगे। कहने का मतलब अगर किसी सप्लायर ने ये 4 गलतियां करी हुई है तो वो जब भी सप्लाई करेगा और उसको ईवे बिल जनरेट करना होगा, या जब भी वो कोई चीज की मूवमेंट करेगा और उसे ईवे बिल जनरेट करना होगा, तो कोई भी उसके बिहाफ पे भी ईवे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा, ना तो सप्लायर जनरेट कर पाएगा जिसने ये 4 गलतियां करी है, या उसके बिहाफ पे कोई जैसे ट्रांसपोर्टर या रेसिपिएंट होता है वो भी जनरेट नहीं कर पाएगा। वो 4 गलतियां कौन सी है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर इनवर्ड सप्लाई ले रहा है वही सप्लायर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर वो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है तो वो ईवे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब गुड्स का मूवमेंट भी कर नहीं पाएगा। तो उसको 4 गलतियां कौन सी अलाउड नहीं है, अगर वो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, अगर वो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है तो अगर उसने CMP02 फॉर्म फिल नहीं किया 2 consecutive quarter तक, तो जो कंपोजिशन टैक्स पेयर होता है ना, जैसे जो नॉर्मल टैक्स पेयर GST 3B भरता है हर महीने और टैक्स पे करता है, वैसे कंपोजिशन टैक्स पेयर क्वार्टरली टैक्स फिल करता है, तो 2 quarter तक अगर उसने वो स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया और टैक्स नहीं पे किया तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या है ईवे बिल जनरेट नहीं करने दिया जाएगा। अगर मान लो रेगुलर टैक्स पेयर है और उसने 2 tax period तक मतलब 2 महीने तक अगर उसने रिटर्न नहीं फिल करी तो भी उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर कोई रेजिडुअल टैक्स पेयर है, उसने अगर 2 महीने तक GSTR 1 नहीं भरी,
महीना या क्वार्टरली जो भी एप्लीकेबल है उस तक अगर उसने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी, जीएसटीआर 1 में क्या आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल होती है, अगर वो भी फिल नहीं करी तो इसे भी ईवे बिल जनरेट नहीं करना जाएगा, या फिर जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है वो भी ईवे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। बट हाँ, कमिश्नर चाहे तो उसे अलाउ कर सकता है कि ईवे जनरेट कर ले। मतलब अगर ये चार गलतियां किसी ने करी है तो उसकी जो भी मूवमेंट होगी गुड्स की तो उसके लिए ईवे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा, हालांकि कमिश्नर उसे अलाउ कर सकता है ईवे बिल जनरेट करने के लिए। चार गलतियां कौन सी है, अगर कंपोजिशन टैक्स पेयर है तो उसने दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक अगर उसने स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, रेगुलर टैक्स पेयर है तो उसने अगर दो टैक्स पीरियड तक रिटर्न फाइल नहीं करी, या फिर दो महीने के लिए उसने जीएसटीआर 1 या क्वार्टर के लिए जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी, या फिर जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है, हाँ कमिश्नर चाहे तो अलाउ कर सकता है। अब एक स्पेशल केस आ जाता है कि अगर गुड्स होता क्या है, कभी कभी मान लो दिल्ली में एक सप्लायर है, ठीक है, दिल्ली में सप्लायर है, उसने गुड्स भेजना है रेसिपेंट को, ठीक है। अब रेसिपेंट की क्या छोटी सी दुकान है, अब इसके पास जगह नहीं है रखने की, तो रेसिपेंट ने अपने ट्रांसपोर्टर को बोला, जो ये ट्रांसपोर्टर था जिसने ये गुड्स दिल्ली से रेसिपेंट तक लेके आ रहा है, अब ट्रांसपोर्टर के पास एक बड़ा गोदाम भी है, तो रेसिपेंट ने ट्रांसपोर्टर को बोला कि जो भी आपको गुड्स लेके आ रहे हो आप ऐसा करना, आप एक बार के लिए अपने गोदाम में रख लेना, ठीक है, तो आप एक बार के लिए अपने गोदाम में रख लेना और जब मेरे को नीड पड़ेगी तो मैं गोदाम से मैं अपने दुकान पे मंगवा लूंगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहली बात, जब रेसिपेंट का कोई सामान ट्रांसपोर्टर के यहां पड़ा है तो ट्रांसपोर्टर को इसे क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, करेक्ट, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अगर आप ट्रांसपोर्टर के गोदाम में सामान रखवा रहे हो तो ऐसे केस में आपको ईवे बिल है वो आप सप्लायर के प्लेस से रेसिपिएंट के प्लेस तक जनरेट नहीं करोगे, आप ईवे बिल जनरेट करोगे कहां तक, ट्रांसपोर्टर के प्लेस तक, क्योंकि आपका जो मूवमेंट है वो कहां कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसपोर्टर के प्लेस तक, मतलब ट्रांसपोर्टर के गोदाम में जैसे ही माल पहुंच गया आपका मूवमेंट कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए एक ईवे बिल जनरेट होगा। और जब भी आप ट्रांसपोर्टर के यहां से अपना सामान मंगवाओगे कहां तक, रेसिपिएंट के प्लेस तक, तो उसके लिए एक सेपरेट मूवमेंट है तो उसके लिए एक सेपरेटली ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या है, अगर मान लो काफी दिन तक ट्रांसपोर्टर के गोदाम में गुड्स पड़े रहते हैं तो उसकी अगर वैलिडिटी भी खत्म हो जाती है ईडब्ल्यूबी की, तो ऐसे में उसको एक्सटेंड भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे दो अलग मूवमेंट इन्वॉल्व है, कौन कौन से, एक तो सप्लायर के प्लेस से ट्रांसपोर्टर के गोडाउन तक और ट्रांसपोर्टर के गोडाउन से लेकर रेसिपिएंट तक, तो यहां पे दो सेपरेट मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो दो सेपरेट ईवे बिल जनरेट किए जाएंगे। ये एक स्पेशल केस था, इस पे सर्कुलर था, तो रेसिपिएंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा पहली बात तो ट्रांसपोर्टर का गोडाउन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और गुड्स जो मूवमेंट हो रहा है सप्लायर से गोडाउन तक वो कवर्ड बाय होगा ईवे बिल, और गुड्स गोडाउन से लेकर रेसिपिएंट के प्लेस तक भी कवर्ड बाय होगा एक न्यू ईवे बिल, तो दो ईवे बिल जनरेट होंगे। तो इस चैप्टर में हमने ईवे बिल के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिया कि कब जनरेट करना है, कैसे जनरेट करना है, किस चीज में नहीं करना है और किस फॉर्मेट में रहेगा, और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हमें किस फॉर्मेट में मेंटेन करने हैं, कहां मेंटेन करने हैं, किसको मेंटेन करने हैं, कितने मेंटेन करने हैं, तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। तो इसके आप चैप्टर के क्वेश्चंस करके देख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आपसे नंबर शेयर ऑलरेडी कर दिया गया है, तो आप उसमें मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।